आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हफशा नूरानी के जायरीन की बस पराब नदी के सराबी रेले में बह गई। इंतजामिया और मुकामी लोगों ने जायरीन को रेस्क्यू कर लिया। जायरीन दरगाह की जियारत करके वापस आ रहे थे। जायरीन का ताल्लुक खट्टा सिंध से है जो शाह नूरानी से वापस आ रहे थे। बिराब नदी में सराबी रेले की वजह से शाह नूरानी का रास्ता मुंतका। कराची के इलाके हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी जिसके बायस नशेबी इलाके जरियाब आ गए और सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गयी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी 18 घंटों से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया और कई नशेबी इलाके जरियाब आ गए जबकि कई अस्पतालों के अंदर और बाहर 3-3 फुट का पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद सिविल एसोसिएशन अंदरून और बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए कोरोना की नई SOPs जारी कर दी। नए जवाबित के तहत तैयारी में दाखिले से कबल महकमा सेहत के एहलकार मुसाफिरों का टेस्ट और इंटरव्यू करेंगे। नई SOPs 26 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर तक नाफिज की जाएंगी। एसओपीज का इतलाक तमाम चार्टर परवाजों समेत प्राइवेट तैयारों पर यकसा होगा। एयरलाइंस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स SOPs को यकीनी बनाएंगे। पिशावर सबात और इसके गिर्द नवाह में 1.5 शिद्दत का जिलजिला महसूस किया गया। जिलजिले की गहराई 120 किलोमीटर जबकि मरकज को हिंदकश का पहाड़ी सिलसिला था। खुशकिस्मती से तहाल किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। याद रहे चंद रोज कबल सुबह सिंध के दारुल हुकूमत कराची में भी जिलजिले के झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिलजिले के झटकों की जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गयी। लाहौर वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना था कि स्कूल खुलने पर असातिज़ा को कोरोना टेस्ट अपनी जेब से कराने होंगे। हुकूमत मदद नहीं करेगी जबकि तालबा को मास्क भी अपनी जेब से खरीदना होंगे। सरकारी तौर पर असातिज़ा को कोरोना टेस्ट नहीं कराए जाएंगे। बगैर कोरोना टेस्ट असातिज़ा को स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर पंजाब हुकूमत ने 25 अक्टूबर से ऑरेंज मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया। हुकूमत पंजाब ने फैसले से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। इस सिलसिले में मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। चीनी माहिरीन की तरफ से ऑरेंज ट्रेन के ड्राइवर्स और अमले की ट्रेनिंग जारी है। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का किराया सूबाई कबीना और पंजाब असम्बली तय करेगी। कोरोना वायरस की वजह से इफ्तिताह में 6 माह तखीर हुई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी कराची की सूरत हाल पर फट पड़े। सोशल मीडिया पर विल सेव कराची हैशटैग के साथ कराची में बारिश के बाद के हालात की तस्वीर पोस्ट करते हुए शाहिद अफरीदी का कहना था कि कराची के हालात पर अब चुप रहना मुजरिमाना खामोशी है, दिल खून के आंसू रोता है। पिशावर बारिश के बाद BRT स्टेशन की छतें टपकने लगी और सीलिंग से पानी इंतजार गांव में आ गया। बारिश के बायस हयात आबाद BRT स्टेशन के इतराफ में रोड पर पानी जमा हो गया जबकि BRT के मुख्तलिफ स्टॉप पर पानी स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.nknews.com.pk। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगेबान।